हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे लगा नहीं था मैं व्लॉग करूँगी, बट आई स्टार्टेड व्लॉगिंग बिकॉज वी एंडेड अप गोइंग टू द बंजारा मार्केट इन गुड़गांव। तो चलो लेट्स गो देयर। तो अभी फिलहाल वी आर वेटिंग फॉर माय मासी टू जॉइन अस। अभी हम गुड़गांव में पहुँच चुके हैं बाय द वे, सो लेट्स से हाय। हेलो हेलो। सो आफ्टर शी जॉइंड अस तो हम चल दिए थे बंजारा मार्केट, जो थोड़ा पास में ही था जहाँ से हमने उन्हें पिकअप करा था। तो आई वेंट देयर विद माय कजन्स एंड माय मासीज। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी बंजारा मार्केट जाने की, बिकॉज मेरे को बहुत टाइम से वहाँ जाना था। हम बाय कार गए थे, तो नोएडा से काफ़ी दूर पड़ता है और वहाँ पर जाना बाय कार ही लॉजिकल लगा मुझे। हमने कार थोड़ी दूर पार्क करी थी क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ थी। ज़्यादातर मार्केट टूट चुका था बिकॉज ये लास्ट डे था मार्केट का एंड पुलिस सब बंद करवा चुकी थी, सब तोड़फोड़ हो चुकी थी। हमें मार्केट में ज़्यादातर कुछ देखने को नहीं मिला बिकॉज इट वाज ऑलरेडी ऑल ब्रोकन डाउन। तो बस ज़्यादातर ये वासेस एंड प्लेट एंड क्रॉकरी थी, फर्नीचर तो बिल्कुल भी नहीं मिला। तो आई वॉज लिटल डिसअपॉइंटेड उसकी वजह से, बट जो जो चीज़ें खरीदी उसकी वजह से देन थोड़ा मूड ठीक हो गया था। हम तो काफ़ी लेट गए थे, हम 6:30 बजे वहाँ पहुँचते थे एंड 8 बजे मार्केट वैसे भी बंद हो जाता है। लिमिटेड चीज़ें थी तो ऐसे कुछ हमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बहुत टूटा फूटा, इट वॉज ऑल मेस्ड अप। बट आई ऑल्सो एंडेड अप गेटिंग थोड़ी सी चीज़ें जो बहुत बहुत सस्ती मिल गई। एट दिस पॉइंट 8:30 हो चुके थे एंड वी वर सो टायर्ड। तो हमने एक राउंड गाड़ी तक लगाया सामान रखने के लिए और फिर हम वापस जा रहे थे बाकी सामान पिकअप करने के लिए, बिकॉज हमने वासेस वगैरह रखवा दिए थे, हम इतना हैवी कैरी नहीं कर सकते थे। यहाँ हम सब स्टफ़ कर रहे हैं गाड़ी में, आप जाम देख सकते हो, बहुत भयंकर जाम था। हमने बहुत अच्छा करा गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करके। फिर थोड़ा पास में बहुत सारी खाने की जगह आई थी जहाँ पर हमने डिसाइड करा हम कुछ डिनर प्रॉपर करके जाएंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट 9:30 हो चुके थे। तो वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ गुड प्लेस टू ईट। यहाँ बहुत सारी जगह थी एंड वॉज टू क्राउडेड बिकॉज संडे था। दिस वॉज माई ओवर टी डी बाय द वे, काफ़ी कैजुअल, काफ़ी कम्फर्टेबल एंड रैंडम। तो या अब बहुत थक चुकी थी मैं और हम यहाँ पे एक ओपन ढाबे में खाने वाले थे जो बहुत फेमस था। एंड सॉरी मैं आपको ऐसे खाली पेट दिखा रही हूँ बिकॉज मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड एंड देन आई वॉज हैप्पी आफ्टर ईटिंग इट एंड ऑल्सो आई गॉट माई फेवरेट बैलून। चलो अब घर वापस चलते हैं एंड देन आई विल गिव यू अ क्विक हॉल कि मैं क्या लाई हूँ। तो इट्स 11:54 PM एंड वी आर फाइनली होम। तो अभी कुछ एनर्जी नहीं है शूट करने की, तो आई विल सी यू द हॉल टुमारो, बाय बाय। आई गॉट दिस ब्यूटिफुल ग्लास ट्रे, दो लेकर आई हूँ मैं 10 each में एंड आई कैन जस्ट क्लीन इट अप एंड पेंट वट एवर आई वॉन्ट। देन दिस एब्सोल्युटली गॉट दिस प्लेट फॉर ₹100 जो 250 बोली थी एंड ये वुडन फ्रेम जिसका अमेजिंग कट आउट है, आई गॉट इट फॉर ₹100-200 बोला था बट इट्स फाइन फॉर 100। फिर ये 4 वासेस हैं फ्लावर पॉट्स, तो अभी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, आई हैवंट क्लीनड इट अप। बट दो थोड़े छोटे हैं, एक ये थोड़ा बड़े वाला है एंड सब बहुत डिफरेंट है, यूनिक है। मैं साफ़ करके आई एम श्योर ये बहुत सुंदर लगेंगे। और एक ये आई थॉट आई कैन कीप माई पेंस और समथिंग इन इट एंड ये सारे चारों मिलाकर ओनली ₹80। देन आई गॉट दिस बॉल जैसी कोई चीज़, आई डोंट नो इसका क्या यूज़ है बट इट वॉज सो प्रिटी। तो आई वॉज थिंकिंग कि इसके अंदर अगर लाइट लगा ले तो इट वुड बी गॉर्जियस। तो लेट मी शो यू दिस इन फ्लैश, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और ये भी सिर्फ ₹100 में, तो काफ़ी सही रहा। थोड़ी कम शॉपिंग है, बेसिक चीज़ें हैं, बट या दैट्स इट फॉर माई मिनी हॉल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद एन एक्साइटिंग वीडियो।